हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फुल बॉडी हार्नेस, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, उसका इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने में ये जो है ये फुल बॉडी हार्नेस है, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल ऊंचाई पर फॉल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन फुल बॉडी हार्नेस को पहनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे इंस्पेक्शन करें, ताकि जिस बेल्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो सेफ हो, तभी जाकर हमें फॉल प्रोटेक्शन वहां पर मिल पाएगा। लेकिन अगर वो बेल्ट डैमेज कंडीशन में हो और उस कंडीशन में अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमें खतरा हो सकता है, हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम फुल बॉडी हार्नेस को पहनते हैं, तो उसके पहले हमें उसको चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फुल बॉडी हार्नेस में चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फुल बॉडी हार्नेस में जो लैनार्ड होती है उसको हमें चेक करना होता है कि उसमें कहीं कटा तो नहीं है या फिर डैमेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें उस लैनार्ड के साथ में जो शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि हम उसे शॉक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसको हमें चेक करना होता है कि वो डैमेज तो नहीं है, तो वो जो है वो सही कंडीशन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि उस शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर हुक होता है, जिसे हम स्नैप हुक कहते हैं, तो उस स्नैप हुक को हमें चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है डीरिंग को और होल्डिंग बकल को, कि उसकी कंडीशन सही है कि नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो होल्डिंग बकल को, तो होल्डिंग बकल के ठीक पीछे में एक डीरिंग होता है, जहां से ये जो लैनार्ड है ये इसमें अटैच करके फंसाई जाती है। फिर उसके बाद है कि हमें बैक स्ट्रैप जो है वो चेक करना होता है कि उसकी कंडीशन सही है। फिर नेक्स्ट है कि हमें चेस्ट स्ट्रैप जो है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट है कि हमें लेग स्ट्रैप जो है उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है शोल्डर स्ट्रैप के कंडीशन को, यानी कि शोल्डर के ऊपर जो स्ट्रैप आती है उसको हमें प्रॉपरली चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है। अगर वो शोल्डर स्ट्रैप कहीं से कटा है या फिर डैमेज है, तो उस कंडीशन में हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना होता है। नेक्स्ट है कि हमें चेक करना होता है ड्यूरेबल स्टिचेस को, कि उसकी कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद है कि हमें चेक करना होता है एडजस्टेबल जो स्ट्रैप है मेटल बकल की, उसको कि उसकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है, ताकि जो स्ट्रैप होते हैं उसको हम एडजस्ट करके अच्छे से फिक्स कर सके। और फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है स्ट्रैप होल्डर को, कि उसकी कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हम इस फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फुल बॉडी हार्नेस, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, उसका हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।